इधर मनीषा निकाल रही है खाना सभी के लिए इधर हमारा, और ये रहा हमारा चिकन जो बन के कम्प्लीट हो गया है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यूज ब्लॉग। स्वागत है आप सबके एक न्यू वीडियोस में। अभी न्यू ईयर आ रहा है और अभी न्यू ईयर का महीना चल रहा है जनवरी, आज हो गया 7 तारीख, ठीक है। आज संडे का भी दिन है और जितना भी हम लोग यहाँ पे रहते हैं जो हमारे अड़ोस पड़ोस दीदी लोग हैं और हमारा नीचे भी भाई लोग हैं, आकाश भाई दीदी लोग ऊपर में, फिर इनका फ्रेंड है गगन भैया का, तो आप लोग जानते ही होंगे मेरा ब्लॉग में हमें साथ रहता है, रुपेश वगैरह एनी भी हमारे साथ है। तो हम लोग सारे को ये आज ना बहुत दूर पिकनिक जा रहे हैं, हम लोग जोनाफॉल जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि जोनाफॉल मैं भी नहीं गई हूँ, गोलू भी नहीं गया है, कोई कोई गए होंगे बाकी हम लोग नहीं गए, तो हम लोग सोचे कि वहीं पर चलते हैं करके। तो अभी मैं एकदम रेडी हो गई हूँ, देख सकते हैं, फिर अभी हम लोग निकलते हैं। अभी 10 बज रहा है, ठीक है, वहाँ पहुँचने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा हम लोगों को, तभी हम लोग बाइक में ट्रेवल करेंगे। बाकी कुछ कुछ यहाँ पे चटाई है, कुछ कुछ सामान वगैरह है, और कुछ कुछ सामान जो है वो उधर रुपेश लोग लेके आएगा, बाकी मैं कुछ कुछ पकड़ी हूँ, बाकी इन लोग अपना उधर से कुछ कुछ शायद वो लोग अपने के लिए लेके आएंगे, बोली खिचड़ी बनाएगी और कुछ कुछ बनेगा। तो आप लोग को भी चलिए आज हम मेरा वीडियो इसके थ्रू जोनाफॉल लेके चलता है ना, आप लोग गए होंगे रांची से और जोनाफॉल कौन नहीं गया होगा, जो फिर भी मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और मेरा जो व्यूअर्स देख रहे हैं फर्स्ट टाइम मैं जहाँ जा रही हूँ, तो चलिए आप लोग को भी लेके। तो भाई सभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि कुछ कुछ फ्रेंड लोग आने वाले हैं, तो वो लोग आया नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। देखिए ये इधर भी है, एनी लोग बोली कि थोड़ा सा टाइम होगा आप लोग निकलते रहिए, तो गगन भैया जो बोले वो डंगरा टोली में है, तो बस वो भी बस यहाँ से डंगरा टोली कितना 1 किलोमीटर का तो बात है, 1.5 किलोमीटर बस वो भी पहुँचने ही वाले हैं। सो गाइस देख सकते हैं ये रहा हमारा मेन गेट जो कि जोनाफॉल जाने का है। तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जोनाफॉल और देख सकते हैं मेरा पीछे तरफ आगे तरफ इधर मतलब इतना ज्यादा पिकनिक के लिए आए हुए हैं, देख सकते हैं चारों तरफ इधर खाली गाड़ी ही गाड़ी, पार्किंग में भी हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे पर आदमी का 10 रुपया लेता है, ठीक है, जितना आप लोग आ रहे हैं, ऊपर से गाड़ी का या बाइक का 20 रुपया लेता है, फोर व्हीलर का उसी हिसाब से और ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे पैसा भी देना पड़ता है, हमको लगता था नहीं होता है, बट हम लोग भी पहले आ रहे हैं, कोई नहीं लेते हैं सब जगह। इधर हमारा गाड़ी वाड़ी सारे लगा दिए हैं हम लोग, बाकी इनकी मम्मी लोग अभी तक आई नहीं है, छोटी मम्मी। तो देखिए गाइस सब लोग सामान पत्री पकड़ के आ रहा है हमारा बटालियन, अभी हम लोग बटालियन सब चलो सभी हम लोग जा रहे थे। देखिए क्या जोनापुर के सामने में इतना सुंदर सुंदर यहाँ पे लकड़ी से बनाया गया है फूल वगैरह सारे यहाँ पे, ये सबका ना 100 रुपीज है, मतलब देख सकते हैं हम लोग कभी नहीं लेंगे, आते वक्त लेते हुए तो मैं पक्का जाऊंगी, ये फूल सब इतना प्यारा प्यारा है, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे पिकनिक के लिए, अभी बनाएंगे बनाएंगे तो बच्चा उच्चा लोग तोड़ देगा, तो इसलिए हम लोग आराम से बना के लेके जाएंगे। देख रहे भीड़, बाप रे बाप कितना भीड़ है, और साइड साइड में इधर फ्रूट्स वगैरह भी है, बेर है, मतलब बहुत कुछ है, एंड बच्चे लोग के यहाँ पे बैलून्स खिलौना वगैरह भी है। ऊपर की ओर जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ना पड़ रहा है हम लोगों को, जाते हुए थोड़ा भूख भी लग रहा था, सीढ़ी बहुत चढ़ चढ़ के, यहाँ से हम लोग चन्ना खरीद रहे हैं आंटी से, अच्छा से बना दीजिएगा ठीक ना आंटी, और थोड़ा तीखा भी दे दीजिएगा, मस्त लगेगा, पेट वेट सब चल जाए। अरे नहीं चलेगा भैया, भूख लगा इतना सारा कि क्या ही बोलेंगे। तो जोनाफॉल आने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ पे सीढ़ी कितना ज्यादा है, उतरना चढ़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं तो गिरते गिरते बची हूँ यहाँ पे, क्योंकि इतना ज्यादा सीढ़ी है, उतरने में ये हालत है, सोच रहे चढ़ने में क्या होगा, और सीढ़ी भी है तो बिल्कुल ऐसा है, देखिए ऊपर से हम लोग आ रहे चलते चलते, वो तो आकाश का शुक्र है कि ये झोला ये पकड़ लिया है, नहीं तो पता नहीं हम लोग का क्या होता, हम लोग तो कुछ पकड़े भी नहीं है और ऐसे हो रहा है। देख रहे सब कोई निकल रहा है, और देखिए कितना नीचे और जाना है यहाँ से, इतना ज्यादा यहाँ पे जंगल ही जंगल दिख रहा है इधर से, देख रहे हो भैया इसी और सीढ़ी कितना ज्यादा है, टोटल यहाँ पे कितना सीढ़ी होगा आकाश बता, तुमको तो पता ही होगा टोटल 160 है, उससे ज्यादा लगेगा यार 160 तो यहाँ से यहाँ, मतलब इतना थोड़ी, छोटे छोटे बच्चे लोग यहाँ पे बेर बेच रही है, कैसे बेर
तो इस फाइनली ये रहा झारखंड की जन्नत और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भारी मात्रा में पब्लिक आई हुई है और वो माय गॉड यहाँ पे हर जगह से पानी पानी आ रहा है और इतने सारे पत्थर भी है गाइस। एंड गाइस और हाँ यहाँ पे मेरा सब्सक्राइबर भी मेरे को मिल गए। आंटी जी हमको दूर से ही देख कर पहचान गई और हमको बोलने लगी कि मैं आपका सारा वीडियो ब्लॉग देखती हूँ, तो थैंक यू सो मच। हम लोग ना पत्थर में फंस गए हैं, इतना बड़ा बड़ा पत्थर और बीच बीच में ऐसा झरना टाइप का है ना, इसकी वजह से और छोटे छोटे बच्चे लोग भी इन लोग को पार कराना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, डर भी लग रहा है। आराम से एक एक करके जा बोलू, आकाश को हाथ दो हाथ दो। अरे भैया आ जाइए। फाइनली अभी हम लोग एक जगह पे मतलब पहुंच गए जहाँ पे हमारा खाना सब बनने वाला है। देखे इधर चूल्हा उल्हा लकड़ी वगड़ी, मतलब बता नहीं सकते हम कि मतलब वो पत्थर उधर वो जो दिख रहा है सबसे ऊपर में, वहाँ से आने के लिए हम लोग को लगता है 1 घंटे हम लोग सफर किए बच्चों लोग के साथ है। हम लोग मतलब ऐसे पत्थर थोड़ा सा पत्थर फिर गड्ढा फिर पानी, इस वजह से पूरा घंटा मजा आया यार। गगन भैया बॉडी दिखा रहा है अपना, बढ़िया इतना पसीने हो गया ना उसमें, 1 घंटा लग गया हम पार होने कर रही है बताओ। इधर रुपेश पटेल अभी इधर हमारा चूल्हा जला रहा है, अगर 2 चूल्हा जलेगा हम लोग का ताकि फटाफट काम हो, और इधर हमारा प्याज हुआ जो भी है। अरे तुम ही कट जाएगा का, बैठ गया है, चलो उठ जाओ बेटा। इधर मनीषा भी सारा प्याज वाज सारा काटेगी अभी, कहाँ ले जा रहा हथियार यार तुम। इधर मनीषा निकाल रही है खाना सभी के लिए, इधर हमारा और ये हमारा चिकन बन के कम्प्लीट हो गया है, अभी हम लोग खाएंगे। हो चुका है कंप्लीट, अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि सुबह से हम लोग जाने के चक्कर में मतलब खाना वाना कुछ भी खा के नहीं आए थे, अब थोड़ा खाए तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और देखिए सब सुकून लग रहा है, खाना खाए पूरा पेट भर गया, मजा आ गया, अब तो डांस करने का मन कर रहा है जैसे दिख रहा है तुम बजा। और देखिए इधर दीदी लोग खा ही रहे और बाकी ये रहा हमारा बर्तन वगैरह, अभी गोलू को धुलवाते हैं क्योंकि हमेशा तो हम ही बर्तन धोते हैं, सोचे इस बार गोलू को धुलवाएंगे। मैंने खाया कि नहीं खाया बता, मैं खाया कि नहीं खाया, खाया तो फिर उतरा देते हैं। तो अभी अभी जस्ट इन्हीं लोग आ रही है, हम जा रहे हैं उन लोग को लाने के लिए, उतरने नहीं सक रही है, जाते हैं कुछ हेल्प करते हैं हम भी। देखिए आइए तो देख रहे हैं यहाँ से वहाँ, हम लोग इसलिए आए थे मजा आ गया था। देखिए इधर हमारा भी बर्तन धोने का कार्यक्रम चल रहा है, 3 लोग मिलकर इधर बर्तन धो रहा है,
इधर मनीषा भी धो रही है, इधर आकाश और वो भी मिलके धो रहे हैं, सभी लोग हम लोग। ऊपर में नहीं देखा, सब लोग बोल रहा हाथी आया, हम लोग खाना खा लिए थे और अभी 4 बज रहा है, जाते जाते 1-2 घंटे में आराम से 6 बजे तक घर पहुंचेंगे। तो चलिए ब्लॉग यहीं तक एंड।